Hello, 8th standard. Let us continue with geography lesson number 2. And this will be my 6th video for our lesson of social studies. And this is almost the last topic of our lesson, that is conservation of natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife को संभाल के रखना बहुत important है, right? क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या है, लेट अस रीड इट. फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ. फॉरेस्ट जो है वो हमारा खजाना है. ओके, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट खजाना है. कैसे खजाना है, आप सोच रहे होंगे, जंगल तो है, लेकिन वी आर गेटिंग सो मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट. वी आर गेटिंग सो मैनी मिनरल्स, वी आर गेटिंग सो मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम फॉरेस्ट, राइट. वी आर गेटिंग इवन सो मैनी सच वुड्स टू मेक फर्नीचर एंड ऑल, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है. मतलब फॉरेस्ट एक तरह से हमारे लिए खजाना ही है, राइट. प्लांट्स गिव्स अस शेल्टर. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज अ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट मतलब कई बार होता है ना फॉरेस्ट में सडनली फॉरेस्ट फायर. ओके, फॉरेस्ट फायर मतलब कोई जानबूझकर आग नहीं लगाता. इट हैपन्स लाइक कोई कैंप फायर किसी ने अगर किया हो, लाइक देर आर सो मैनी यू नो नेचुरल स्टडीज़ करने वाले बहुत लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में जाकर डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ को टेक ऑन करते हैं. सो वो लोग अगर रात को फायर चलाएँ और फिर वो फायर अगर फैल जाए तो फॉरेस्ट फायर, और एल्स ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी फॉरेस्ट में अचानक ड्राई लीव्स में अगर आग लग जाए तो फॉरेस्ट फायर इज़ वन टाइप ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, क्योंकि वो फैलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है. ओके, सो वो क्लाइमेट अगर चेंज हो उसकी वजह से, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस. ह्यूमन इंटरफेरेंस वन एग्जाम्पल आई गिव के बाई चांस इफ एनी वन डन विद कैंप फायर एंड इफ दैट इज लेफ्ट आउट लाइक दैट ओनली इट विल स्प्रेड एज अ बिग ह्यूज डिजास्टर इन फॉरेस्ट. नॉट ओनली दैट कैंप फायर बट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ऑल ऑल्सो इट विल मेक कम्प्लीटली डिस्टर्ब फॉर लाइफ ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की लाइफ के लिए बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा इससे. मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड. वल्नरेबल मतलब बहुत स्पीसीज हैं जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, और वी कैन टेल बहुत ऐसे जात के एनिमल्स हैं जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, और कई ऐसे एनिमल्स हैं जो ख़त्म होने की कगार पर है. लाइक ख़त्म हुए नहीं है, इट इज़ लेफ्ट आउट हार्डली इन फ्यू नंबर्स. ओके, एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. सो कई एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्शन के कम्प्लीटली नज़दीक है, दैट इज़ ख़त्म होने ही वाले हैं अगर हम उनको संभाल के ना रखें. रिसेंटली यू नो टुडे ओनली आई रेड न्यूज़ इन गुजरात गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लायंस नंबर इंक्रीज बाई 29%. मतलब पहले से काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है. एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है गिर फॉरेस्ट में इन गुजरात. इट इज़ गुड, राइट, क्योंकि अगर एशियाटिक लायंस यहीं पर पूरे एशिया में यहीं पर देखने को मिलते हैं, और अगर वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो वी विल बी एबल टू सी एशियाटिक लायंस इन सम मूवीज और पिक्चर्स ओनली, राइट. सो एक्सटिंक्ट होने से उनको बचाया गया, उनको ख़त्म होने से उनको काफ़ी प्रोटेक्शन दी गई, उनको सेफ रखा गया. डिफॉरेस्टेशन दैट इज़ कटिंग ऑफ ट्रीज मोर एंड मोर. सॉइल इरोजन दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर और वेरी हाई स्पीड ऑफ विंड. उसकी वजह से अगर मिट्टी मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं. कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज दैट इज पीपल आर कटिंग ट्रीज टू डू सम कंस्ट्रक्शन वर्क, मेकिंग सेटअप इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज एंड ऑल. फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स.
सुनामी दैट इज समुद्र में अगर तूफान आए, बड़ी बड़ी लहरें आए, एंड लैंडस्लाइड दैट इज जब धरती का कोई हिस्सा मूव हो जाए, ओके, तो वो दूसरी धरती को भी हार्म करेगा, राइट? दैट इज धरती का एक हिस्सा, लाइक सपोज अगर ऊपर माउंटेन से बड़ा सा रॉक टूटे, तो वो जो बड़ा सा रॉक है वो सिर्फ अपने उसी को नहीं, लेकिन नीचे जहाँ जहाँ वो रॉक टच करेगा वो उस एरिया को हार्म करेगा। और उसके रास्ते में अगर घर आएंगे, शॉप्स आएंगी, अगर कोई भी एरिया होगा, इट विल कम्प्लीटली गेट डिस्ट्रॉयड, राइट? आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पेसेस। The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as feathers. So poachers मतलब hunting करना, शिकार करना। लोग अपने ही like शौक, कई लोग हैं अपने शौक के लिए, like पुराने ज़माने में राजा महाराजा वैसे ही शिकार पर निकल जाते थे और कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवरों को अपने तीर कमान के साथ मार गिराते थे, तो उसकी वजह से भी कई एनिमल्स मारे गए हैं। सो अभी भी लाइक टीथ ऑफ एनिमल्स और एलिफेंट एंड टीथ और स्किन की बात करें, तो दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग सोल्ड इन मार्केट विद एट वेरी एक्सपेंसिव रेट, ओके? तो उसकी वजह से भी एनिमल्स जो हैं वो बहुत कम हो रहे हैं डे बाई डे इन फॉरेस्ट एरिया। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. See, इनके बारे में जितना लोगों को ज़्यादा बताया जाए, they can go on taking care of these things. Okay, they can go on taking care of these animals and all, okay? And talking about so many animals like जिनके numbers बहुत कम है, like tigers or rhinoceros or deer की बात करें, they are left out if it is left out in counted numbers. So one have to take care of these animals, okay? Because animals, see, like water cycle, you remember water cycle, you might have studied in lower classes, right? वाटर साइकिल के साथ साथ अगर हम बात करें तो अलॉन्ग विद डैट मैनी अदर फूड चेन इज ऑल्सो देयर, ओके? फूड चेन, ओके? एनिमल्स का भी फूड चेन है, लाइक देर आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, देर आर ट्रीज एंड लीव्स ईटिंग एनिमल्स, राइट? तो वो जो फूड चेन है उनके लिए ये सब एनिमल्स का रहना भी बहुत ज़रूरी है। एक भी एनिमल्स का स्पेसिस ख़त्म होंगे, एक भी एनिमल्स की जात खत्म होगी, तो कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ओके? सो टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड? देन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो काफ़ी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायो रिजर्व जोन्स, काफ़ी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जोन्स वगैरह काफ़ी जोन्स हैं जो एनिमल्स की केयर करने के लिए बनाए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। दैट इज क्रीक्स, लेक्स, दैट इज इवन कुछ वाटर बॉडीज भी संभाल कर रखी गई है, सो दैट वाटर एनिमल्स उनमें अच्छे से रह सके, ओके? सो लाइक सपोज ये जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनमें उसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है एज इफ एनिमल्स आर लिविंग इन फॉरेस्ट ओनली। लाइक इफ टॉक अबाउट टाइगर कैप्टिंग केज, तो इट इज़ नॉट दैट वेरी स्मॉल केज, इट बिकम वेरी ह्यूज एंड बिग केज, सो दैट टाइगर कैन मूव और रन और जम्प वेरी ईजीली एंड फ्रीली, वो अपने आप को फ्री फील करे, उसके अकॉर्डिंग उसका जो केज है वो बनाया जाता है। सो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है एनिमल्स को,
जो वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो फॉरेस्ट में रहते हैं वैसे ही कोशिश की जाती है वैसा एनवायरनमेंट उनको मिले. ओके, देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसेस इज नॉट डिस्टर्ब्ड. एज आई सेड यू, अगर एक भी स्पेसेस ख़त्म हुआ तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी. तो फूड चेन पूरी की पूरी डिस्टर्ब ना हो उसके लिए एनवायरनमेंट में उसके लिए बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ एनिमल्स एंड वेजिटेशन बोथ टू बी देयर प्रेजेंटली एक्टिव. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ड्यू टू द इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स. Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. See, human activities ki wajah se bhi, like we people see na, that the leopard comes in city and all, monkey or langurs etc. comes in city. So, ye city mein tabhi aate hai jab human beings unke ghar destroy karte hai. Like if we go on cutting forest and trees, then where they will live? They will just roam around, and roaming around, they don't know whether it is city or we should not enter in that and all, they don't know this. So they straight away go in cities and all. Awareness programs like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camp. So that they appreciate the habitat of varied species. So कई अलग अलग programs बनाने चाहिए, कई अलग अलग programs से लोगों को जागरूक करना चाहिए, right? People should be aware about importance of forest, about importance of each and every species of animal and all. So along with programs and this social forestry and programs, accordingly children should be motivated, children should be taken to certain environmental area जहाँ पर उनको environment and nature के बारे में practically knowledge हो. क्योंकि बच्चों को knowledge होगी obviously they will definitely discuss with elders, right? Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deers, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स आर इलीगल. इंडिया में इट्स नॉट दैट ओनली किलिंग ऑफ एनिमल्स बिकम इलीगल, इवन कटिंग ट्रीज आर ऑल्सो बिकमिंग इलीगल नाउ. कोई भी विदाउट परमिशन हंटिंग नहीं कर सकता, पोचिंग नहीं कर सकता, विदाउट परमिशन किसी भी ट्री को कोई कट कर नहीं कर सकता, वेदर दैट ट्री इज इन सिटी और दैट ट्री इज इन फॉरेस्ट और इन विलेज. ओके, an international convention CITES has been established at list several species of animals and birds in which trade is prohibited. So ek list bhi declare ki gayi hai jisme wo animals and birds ke naam hai jinke related koi bhi business karna stop kar diya gaya hai government ke taraf se. Okay, दैट इज़ एलिफेंट को किल कर कर उनके बड़े बड़े टीथ सेल करना, सो वो प्रोहिबिटेड है, नाउ इट इज़ इलीगल. ओके, लेपर्ड और टाइगर और चीता को मार कर उसकी स्किन को यूज़ करना और बेचना, इट इज़ इलीगल. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो स्टॉप्ड. सो ऐसे कई एनिमल्स एंड बर्ड्स की लिस्ट बनाई गई है जिनकी पोचिंग और जिनका हंटिंग कोई भी बिल्कुल नहीं कर सकता. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. So हर citizen की first foremost duty है plants और animals को carefully treat करना. Understood? So this was one lesson. CITES information is given in the last box of this page itself. You can go through it also. Okay? Now along with this, sixth video, I will give you question answers also for these questions and all. Okay, in my last lesson which I explained you, for that also I had given you question answers to write, and I had given certain
extra question answers to write. I hope you people have written that. And today also, along with this explanation, I will give you question answers to write in your notebook. So see that you people write those question answers. Okay, I will just send PDF along with this video. So listen to all, see that you don't skip any one single video from all these 6 videos. Take care everyone and continue studying. Bye bye.